नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सांसें हमारे जीवन का मूल आधार होती हैं और यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में ही तकलीफ होने लग जाए तो उसका जीवन जीना दूभर हो जाता है। दोस्तों, आज हम सांसों से जुड़ी एक बीमारी ILD से ग्रसित एक पेशेंट डॉक्टर सतीश बिचोलिया जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इस बीमारी से काफी ज्यादा परेशान थे और स्वयं 35 साल से एक एलोपैथिक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने जाना कि उनकी बीमारी का एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कोई स्थायी इलाज संभव नहीं है। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी चमत्कारिक सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर सतीश बिचोलिया जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सांसों से जुड़ी एक रेयर बीमारी ILD पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सतीश बिचोलिया 400 क्लर्क कॉलोनी इंदौर में निवास करता हूं और पिछले 35 सालों से इंदौर में ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। सन 2017 में मेरे को कुछ खांसी की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मैंने चेकअप वगैरह कराया, मेरे को ILD में IPF की प्रॉब्लम डायग्नोसिस हुई। ये बीमारी का जब मैंने पता किया तो इसमें एलोपैथिक दवाओं में सिर्फ एक परफिनेक्स गोली ही का रिजल्ट है, बाकी वो मेरे को सूट नहीं हुई। उसके बाद मैंने 2 महीने 2.5 महीने लेने के बाद परफिनेक्स फिर बंद कर दी। उसके बाद मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी, जो मेरे मित्र भी हैं, और उनके साथ मैंने बातचीत की तो उन्होंने मेरे को मॉडर्न होम्योपैथिक दवा के लिए लेने को कहा। जब मैंने उनकी दवा स्टार्ट करी तो मुझे उससे काफ़ी फायदा हुआ। आज 3 साल हो गए, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो है स्टेराइड वगैरह की आवश्यकता कभी पड़ नहीं रही है। ऑक्सीजन लेवल मेरा 98, 97, 99 तक रहता है। मैं रोज़ सुबह 4-5 किलोमीटर घूमने भी जाता हूँ, प्लस योगा प्राणायाम करता हूँ और बाकी खाना, घर का जो खाना है, भर पेट अपने तरीके से पूरा खाता हूँ और बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे और कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बाकी ये जो बीमारी है इसका वैसे एलोपैथिक में भी कोई परफेक्ट इलाज नहीं है। परफिनेक्स वगैरह टेबलेट के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मुझे भी हुआ है, तो मुझे तो मजबूरन लेना ही बंद करना पड़ी। उसके बाद अर्पित चोपड़ा जी की जो दवाइयाँ लेना शुरू करी, उसके बाद से मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और दवाएं मेरी अभी कंटिन्यूशन में चल रही है। इस प्रकार के जो पेशेंट वगैरह हों तो उन्हें मेरा सजेशन है कि वो भी होम्योपैथिक दवाएं लेकर प्रयोग करें। और मैं आपको बताऊं, ILD जो है एक रेयर बीमारी है और बहुत कम लोगों में पाई जाती है और बड़ी तकलीफदायक बीमारी होती है। इसमें एक्चुअल जो है ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है, चलने में जो है सांस भरने लग जाता है, साथ ही ऑक्सीजन समय समय पर लेना ज़रूरी हो जाता है। इसमें जो है लंग्स में फाइब्रोसिस प्रोसेस चालू हो जाती है, जिससे लंग्स कड़क हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है लंग्स ले नहीं पाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिन पे दिन बढ़ती जाती है और काफ़ी ख़तरनाक डिसीजें। इसमें भी कई प्रकार की डिसीजें होती है ILD में भी। मुझे ILD में IPF था। IPF मींस जो है फाइब्रोसिस ही होता है, बाकी एक अलग प्रकार का उसमें सिस्टम रहता है। दवाइयां सभी की एक है, पर मुझे जो है मॉडर्न होम्योपैथिक दवाई से ही फ़ायदा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपके परिचित, रिश्तेदार, बुजुर्ग, इन लोगों को किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो मॉडर्न होम्योपैथिक दवा का को लेके देखें। भगवान ने चाहा तो आपको भी मेरे जैसा ही फ़ायदा होगा। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा मेरे वैसे तो मित्र हैं और फील्ड के ही हैं, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से मॉडर्न होम्योपैथिक में कुछ नया करने की कोशिश करी है और लगातार निरंतर इसमें जो है करते आ रहे हैं,
जिससे उन्हें भगवान ने काफ़ी सफलता भी दी है और उन्होंने मेरे ऊपर भी प्रयोग किया और काफ़ी जो है मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला है उनके इस प्रयोग से। मॉडर्न होम्योपैथिक के द्वारा मनुष्य को कई असाध्य बीमारियों के लिए में सफलता भी मिलती आ रही है और ईश्वर उनको सफलता देता भी रहेगा। अभी जब इंडिया में COVID-19 का आगमन हुआ तब से इस बीमारी के पेशेंट पूरी दुनिया में काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि COVID-19 में जो वायरस है वो लंग्स पे ही इफेक्ट करता है और लंग्स में फाइब्रोसिस करना शुरू करता है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से मैंने इस बारे में काफ़ी विचार किया, उन्होंने कुछ दवा भी मुझे सजेस्ट करी और वो दवा भी मैंने ली, प्लस जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो ट्रीटमेंट भी चला, तो ईश्वर की कृपा से मुझे आज तक इस प्रकार की कोई तकलीफ़ उठाने नहीं पड़ी। और अभी भी मेरे मित्र जो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा हैं इसके सावधानी के लिए कुछ दवाएं दे रहे हैं जो एक बार लेना पड़ती है जिससे काफ़ी मदद मिलती है इस बीमारी से बचने के लिए। वैसे तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बाकी मॉडर्न होम्योपैथिक में उनका जो है इंदौर में काफ़ी नाम चल रहा है और ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही साथ में, पर मैं भी ईश्वर से और प्रार्थना करता हूँ कि उनको दिन पे दिन सफलता हासिल करने की के लिए प्रेरित करें। ILD में जो है काफ़ी प्रॉब्लम वाली बीमारी है और इसका इलाज जो है काफ़ी सीमित मात्रा में एलोपैथिक में उपलब्ध है। स्टेराइड प्लस कुछ दवाइयाँ हैं प्लस ऑक्सीजन सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसका अल्टरनेट यही होता है कि अगर फाइब्रोसिस लंग्स में ज़्यादा हो गया है तो लंग्स ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम आ सकती है जो कि इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शुरुआती स्टेज में अपना डायग्नोसिस करा के अगर कोई खांसी वगैरह की प्रॉब्लम हो और इस टाइप की ऑक्सीजन कम होने की प्रॉब्लम हो तो आप जो है शुरू में ही प्राइमरी इलाज में मॉडर्न होम्योपैथिक दवाएं आप लें तो शायद आपको आगे जो है इस टाइप की दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज जो है मुझे अब किसी प्रकार के परहेज की आवश्यकता नहीं है, मेरा खान पान सामान्य जो हर इंसान का होता है वही खान पान है और किसी प्रकार का कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे भी मॉडर्न होम्योपैथिक में ये जो परहेज वाली स्थिति है वो नहीं होती जैसा कि होम्योपैथिक में होती है। मॉडर्न होम्योपैथिक में ये परहेज की आवश्यकता नहीं होती, कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब मुझे ना कोई स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना मुझे कभी ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ी है। बढ़िया 4-5 किलोमीटर वॉक करता हूँ, दोनों टाइम योगा प्राणायाम करता हूँ और खुश रहता हूँ। अभी कोरोना की वजह से क्लिनिक बंद है, बाकी क्लिनिक भी मेरा बराबर चालू था। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर सतीश बिचोलिया जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह उन्हें खांसी की परेशानी होने के बाद जांच करवाने पर पता चला कि वे ILD में IPF की बीमारी से ग्रसित हैं और स्वयं 35 साल से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने लगभग 2.5 महीने तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें समझ आया कि उनकी बीमारी का एलोपैथिक ट्रीटमेंट में कोई स्थायी इलाज संभव नहीं है। तभी उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और मात्र 6 महीनों में अपनी बीमारी पर जीत हासिल की। साथ ही आज लगभग 3 साल बाद भी वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों का आभार मानते हैं। आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के सांसों से जुड़ी इस रेयर बीमारी ILD पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों आज आपने कहानी सुनी एक ऐसे टॉपिक पर जो कि दुनिया में रेयर बीमारी मानी जाती है, इंटरस्टियल लंग डिसीज मींस ILD,
जिसको बताने वाले थे स्वयं डॉक्टर सतीश बिचोलिया साहब, जो कि 35 वर्षों से इंदौर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी सारे पेशेंट्स के लिए अपना जीवन जब लगाया, उसके बावजूद भी उनके भाग्य में एक ऐसी बीमारी जो कि दुनिया में रेयरेस्ट डिसऑर्डर के रूप में जानी जाती है, ILD से वो ग्रसित हुए। और 2017 में जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, कुछ खांसी वगैरह हुई, उसके बाद जब उन्होंने डायग्नोसिस कराया तो उन्हें पता चला कि उन्हें लंग्स में ILD की बीमारी है। उसके कारण उन्होंने कुछ समय स्टेरॉइड वगैरह लेकर या किसी तरीके से एलोपैथी की कुछ दवाइयां लेकर कोशिश की कि इस बीमारी पर किसी तरीके से वो मैनेज कर सकें। लेकिन दोस्तों, चूंकि ILD का अभी तक कोई निश्चित उपचार एलोपैथी में भी नहीं बताया गया है और मेडिकल साइंस में आज भी ILD की जो बीमारी है अनक्यूरेबल कैटेगरी में मानी जाती है, इसलिए इसका चूंकि कोई इलाज नहीं है, इसलिए केवल मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में चूंकि एलोपैथी में भी कुछ दवाइयां बताई गई है उसको उन्होंने सेवन भी किया। पर उसके सेवन करने से जब उन्हें काफी सारे साइड इफेक्ट्स होने लगे, तब उन्होंने खुद बींग अ डॉक्टर एक डिसीजन लिया कि उन्हें उस दवाइयों का सेवन नहीं करना है। और उसके बाद उन्हें, चूंकि डॉक्टर बिचोलिया मेरे मित्र भी थे और उन्हें मेरे बारे में जब ये समझ में आया कि मैं मॉडर्न होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से हम लोग दुनिया की सभी अनक्यूरेबल कैटेगरी के केसेस, जिसमें लगभग कैंसर, किडनी फेल, कोमेटॉस पेशेंट, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, जितने भी ऑटो इम्यून बीमारियां हैं या फिर ऐसे बीमारियां जो सर्जिकल लेवल पे होती है या दुनिया में जिसपे अभी तक कोई इलाज नहीं पाया गया है, इररिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंजेस वाली बीमारियां या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसमें जीवन भर दवा खाने की प्रतिकूलता हो, ऐसी बीमारियों पर जब हम लोग इतना सारा काम कर रहे हैं तो लगभग 3000 से ज्यादा पेशेंट्स के जो डेटा जो हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, चाहे किसी भी माध्यम से आप उसे समझ सकें, ऐसे ही किसी माध्यम का फायदा जब डॉक्टर बिचोलिया साहब को मेरी प्रैक्टिस में देखने में आया कि मॉडर्न होम्योपैथी चूंकि होम्योपैथी से एक नया इन्वेंशन लेकर एक नया एक रिसर्च बेस्ड पूरा एक आगे ट्रीटमेंट बनाया गया है जिसके माध्यम से हम लोग काफी सारे लोगों की जान भी बचा रहे हैं और काफी सारे क्रिटिकल पेशेंट्स को उन क्रिटिकल बीमारियों से भी निजात दिला पा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। और दोस्तों, ये चमत्कार ही था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि केवल 3 महीने के ट्रीटमेंट से डॉक्टर सतीश बिचोलिया साहब जो स्टेरॉइड लेने की जो डिपेंडेंसी लेकर, जो ऑक्सीजन लेने की डिपेंडेंसी लेकर आगे बढ़ने के लिए जो उनके दिमाग में बहुत काफी सारे विचार आते थे, जो उनके दिमाग में ये चलता था कि वो बींग अ प्रैक्टिशनर अब हो सकता है शायद जीवन में वापस कभी प्रैक्टिस ना कर पाए, हो सकता है कि उन्हें काफी सावधानी बस आगे का जीवन जीना पड़े और ILD के बारे में यहां तक लिखा गया है कि इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती है, तो काफी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज में फेटल बीमारी के नाम से ये जानी जाती है, तो इस बीमारी का जो तनाव था, इन सबके बावजूद भी जब मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट से उन्हें जो अद्वितीय फार्मूला, एक अद्वितीय जो उन्हें इलाज मिला, एक असंभव को संभव करने वाला इलाज मिला, उसके बदौलत दोस्तों आज भी डॉक्टर सतीश बिचोलिया साहब 3 साल के बाद भी स्वस्थ हैं। वो आज भी बिना किसी ऑक्सीजन के, बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी इम्यूनो सप्रेसेंट के आज भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और दुनिया के सामने फिर से अपने आप को खड़ा भी कर पा रहे हैं। आज हमने उनके डॉक्यूमेंट्री में सुना कि उन्होंने मुझे आशीर्वचन भी दिया, एक दोस्त के रूप में भी अपनी संज्ञा दी और एक बींग अ डॉक्टर ये बात भी माना कि चूंकि ILD का कोई इलाज नहीं है और मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से अगर उन्हें फायदा मिला है, तो उन्होंने अपने शब्दों में एक मैसेज भी दिया कि अगर किसी को ILD या इस तरीके से लंग डिसऑर्डर वाली कोई इररिवर्सिबल चेंजेस की कोई बीमारी होती है तो निश्चित तौर पर उसे मॉडर्न होम्योपैथी के इस चमत्कारिक चिकित्सा परिणाम के बारे में जरूर जानना चाहिए और इसका उपयोग लेकर वो स्वस्थ भी हो सकते हैं, ऐसा उनका भी विश्वास है और ऐसा हमारा भी प्रयास है। दोस्तों, हम इंटरस्टीशियल लंग डिजीज यानी कि ILD के बारे में जब हम बात करें तो ये एक ऐसी रेयर बीमारी जो कि मेनली लंग्स को इन्वॉल्व करती है और कहीं ना कहीं लंग्स के जो टिश्यूज हैं उसमें जो इन्फ्लामेशन और स्कारिंग होने के कारण जो आगे फाइब्रोसिस होने की जो टेंडेंसी बनती जाती है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होने के कारण एक ऐसी स्थिति में आने लग जाती है कि लंग्स के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और इस कारण से जो स्थिति आती है उसके कारण पेशेंट को जब सांस लेने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब होने लग जाता है, तो पेशेंट ग्रास्पिंग की अवस्था में या सांस लेने के लिए ऊपर से ऑक्सीजन के सपोर्ट लेने के लिए मजबूर होने लग जाता है। और चूंकि इस इररिवर्सिबल बीमारी का अभी तक दुनिया में कोई निश्चित उपचार नहीं है, तो इसी बात पे बताया जाता है कि आप इसमें स्टेरॉइड लेकर या किसी तरीके से ऑक्सीजन से सपोर्ट लेकर अपने आप को मेंटेन रखें, अगर आपको कुछ कदम भी चलना है तो ऑक्सीजन के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और समय के साथ यह बीमारी चूंकि प्रोग्रेसिव होती जाती है इसलिए इसके बारे में प्रोग्नोसिस भी अच्छा नहीं माना जाता और यह बीमारी फेटल अवस्था में भी पाई जाती है।
इस बीमारी के अगर हम कारणों की बात करें तो काफी सारे जो डस्ट एक्सपोजर, कोल्ड डस्ट का एक्सपोजर, एस्बेस्टस के एक्सपोजर, या फिर हो सकता है कि कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री, या हो सकता है कि कोई जेनेटिक हिस्ट्री जिसके कारण आपको एलर्जी के कारण आपको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हो, या फिर कोई ऐसी बात जो पैसिव स्मोकिंग के नाम से जानी जाती है कि हम कहीं बैठे हैं और वहां पर पैसिव स्मोकिंग के कारण हमें अपने लंग्स को डैमेज होने की एक संभावना बन सकती है। तो इस तरीके से काफी सारे ऐसे कारण पाए जाते हैं जो लंग्स के और भी बीमारियों के साथ आईएलडी के लिए जवाबदार हो सकते हैं, जैसे कि एम्फाइसेमा, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी और कुछ ऐसे ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस या कुछ स्क्लेरोडर्मा। इस तरीके से कुछ ऐसे ऑटोइम्यून बीमारियां भी आईएलडी के कारणों में से एक कारण मानी जा सकती है। डॉक्टर सतीश बिचोलिया साहब, जिस आईएलडी के प्रकार के कारण जो सफर कर रहे थे सन 2017 से, उसके बारे में अगर कहा जाए तो उसका नाम है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसका मतलब आईएलडी का एक ऐसा प्रकार जिसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस की अवस्था बढ़ती जाती है और समय के साथ ये इररिवर्सिबल जो चेंजेस हैं वो समय के साथ और प्रोग्रेस होते जाएंगे और एक ऐसा स्टेज आता है जब आदमी पूरी तरीके से ऑक्सीजन सपोर्ट या स्टेरॉइड की डिपेंडेंसी पर मजबूर हो जाता है। और अंत में अंतिम विकल्प के रूप में केवल लंग ट्रांसप्लांट का ही रास्ता बताया जाता है, जो कि आज के परिवेश में भारत के अंदर इंडिया में इतना संभव नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से करा भी नहीं जा सकता, और जो अभी तक प्रैक्टिकल रूप से अभी तक इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से साबित भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसके कंपेयर में अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारिक चिकित्सा विज्ञान जिसके माध्यम से डॉक्टर सतीश बिचोलिया साहब ने अपने शब्दों में बताया कि आज भी वो 3 साल के बाद बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के, बिना किसी अन्य दवाई के सपोर्ट के मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से आज भी स्वस्थ हैं और दुनिया के सामने एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत भी हो रहे हैं और आज साबित भी कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारिक चिकित्सा विज्ञान जिसके माध्यम से ना केवल हम लंग डिसऑर्डर बल्कि दुनिया के किसी भी प्रकार के 300 अलग अलग प्रकार की जो क्रिटिकल बीमारियां, सर्जिकल बीमारी, ऑटोइम्यून बीमारियां, लाइलाज बीमारी, जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारी, जितने भी कैंसर, किडनी फेल, कोमा जो पेशेंट्स होते हैं, हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, जो दुनिया में असंभव बीमारी के रूप में मानी जाती है, उनके ऊपर जो इलाज कर रहे हैं उसका माध्यम यह है कि हम लोग किसी भी प्रकार से आपके बॉडी रिस्पांस को ऊपर से भी कंट्रोल करते हैं, आपके सिम्टम्स को भी कवर करते हैं और आपके बॉडी रिस्पांस को अंदर से भी वापस मेंटेन करते हैं। और जब आपका खुद का स्वयं का बॉडी रिस्पांस जब आपका अंदर से मेंटेन होता है, आपका खुद का रिस्पांस एक्टिवेट होता है, इम्यूनिटी रिस्पांस सेटल डाउन होती है, तो उसका फायदा यह होता है कि आप दुनिया की किसी भी लाइलाज बीमारी पर विजय प्राप्त कर पाते हैं और ये बात आपकी रिपोर्ट्स में भी साबित होती है और आपके रिस्पांस में भी दिखने में लगता है। जैसा कि आप इस तरीके के जो 3000 से ज्यादा पेशेंट जो हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडर्न होम्योपैथी से जो ट्रीटमेंट देकर क्योर किए गए हैं उनके बारे में यूट्यूब के चैनल्स में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या हमारी वेबसाइट पर जो लाइव उनके बारे में प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उनके नाम और नंबर के आधार पर, उनके द्वारा लिखे हुए शब्दों के आधार पर उनकी बीमारी के बारे में आप समझ सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी बात का फायदा लेते हुए, चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी एक चमत्कारी चिकित्सा विज्ञान, सबसे पहले ये बात, ये फास्ट ट्रीटमेंट है, आपको पहले दिन से ये आपको फायदा देता है, इस बात का हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप मॉडर्न होम्योपैथी को दुनिया के किसी भी 300 प्रकार की बीमारियों में अगर प्राइमरी चिकित्सा के रूप में भी अगर उपयोग में लेते हैं तो पूरा प्रयास है इससे आपको फायदा मिलेगा। और डे वन से, पहले दिन से आपको फास्ट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग 50 लाख पावर तक की दवाइयों का उपयोग भी करते हैं और 4000 से ज्यादा नई दवाइयां जो होम्योपैथी में मौजूद है उसका हम फायदा लेकर आपके 300 प्रकार की बीमारियों के लिए भी फास्ट ट्रीटमेंट प्रदान कर पाते हैं। दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी एक सेफ ट्रीटमेंट, इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपकी किसी भी प्रकार की जो बीमारी है अगर हम लोग उसकी दवाइयां जो मॉडर्न होम्योपैथी से प्लान करते हैं वो केमिकल लेस ट्रीटमेंट होता है जिसके कारण कोई दूसरा साइड इफेक्ट आपको नहीं हो पाता। और सबसे अच्छी बात एक और जो मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बताती है कि बिना परहेज का कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। दोस्तों, अगर आपके खुद के स्वयं के केस में अगर किसी पेशेंट को 4 या 5 प्रकार की बीमारी होती है तो हम लोग उसको मिलाकर एक कॉमन किट कंपाइल करके आपको उन सभी बीमारियों का एक किट प्रदान कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम आपको 4 या 5 डॉक्टर्स की जो होने वाली विजिट है उससे भी बचा पाते हैं और उनकी अलग अलग जो दवाइयां लेने की जो मजबूरी का सामना करना पड़ता है उस बात से हम आपको पूरी तरीके से बचा पाते हैं। उसका फायदा ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा केमिकल साइड इफेक्ट से बचते हैं और ट्रीटमेंट में भी जो इतने सारे ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट आपको बियर करना पड़ता है उसकी भी बचत कर पाते हैं। एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी से एक ही जगह पर, ऑल इन वन, एक प्लेटफॉर्म पर पा पाते हैं और मॉडर्न होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से डॉक्टर सतीश बिचोलिया साहब ने अपने लंग्स फाइब्रोसिस पर विजय प्राप्त करके आज भी दुनिया के सामने बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के, बिना किसी स्टेरॉइड के आज भी वो 5 किलोमीटर तक का वॉक कर पाते हैं और अपना दैनिक जीवन का कार्य बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, इससे हमें ये क्लियर मैसेज मिलता है कि मॉडर्न होम्योपैथी लंग्स डिसऑर्डर के लिए, चाहे वो एम्फाइसीमा हो, सीओपीडी हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, अपनी आईएलडी इंटरस्टीशियल लंग डिसीज जैसी बीमारी, या फिर हो सकता है कि कोई ब्रोंकाइटिस या एलर्जिक अस्थमा या और भी कोई अन्य प्रकार के जो लंग्स
डिसऑर्डर्स होते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरिसी, लंग फाइब्रोसिस या निमोनाइटिस, वायरल इन्फेक्शन, इस तरीके से काफी सारे निमोनिया की जो कारण हो सकते हैं ऐसी कोई बीमारी, या फिर अभी जो वर्तमान स्थिति में जो पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण काफी सारे पेशेंट्स जो लंग इन्फेक्शन के कारण हॉस्पिटल की कैटेगरी में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उन्हें आईसीयू में भी इस तरीके के लंग इन्फेक्शन के कारण, चूंकि उनके सीटी चेस्ट में जो स्कोर है वो कम होने लग जाते हैं और उन्हें लंग फाइब्रोसिस एवं निमोनिया जैसी स्थिति का सामना करने के कारण वेंटिलेटर पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है डॉक्टर सतीश बिचोलिया साहब का, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जो लंग्स इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी आपके बॉडी रिस्पांस को ऊपर से भी कंट्रोल कर रही है, अंदर से भी वापस मेंटेन कर रही है, इम्यूनिटी भी बढ़ा रही है और आपके सिम्टम्स को भी कवर कर पा रही है, और जो नया डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो प्रोग्रेसिव हो रहा है ये जो बीमारी, उसको भी रोकने के लिए आपके लिए चमत्कार के रूप में काम करती है। इससे एक हमारा प्रयास हो सकता है कि अगर इस तरीके का कोई पेशेंट अगर कोई लंग डिसऑर्डर के कारण किसी क्रिटिकल स्टेज पर जाकर वेंटिलेटर की स्थिति में आने के कारण या हॉस्पिटल में रहने के लिए मजबूर है, तो अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा किसी एक आदमी की जान बचाने के लिए भी ले सकते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि हमारा ये प्रयास, हमारे जो हॉस्पिटल के जो मेरे भाई डॉक्टर्स हैं, जो जितने भी मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं हम किसी एक पेशेंट की भी जान बचाने के लिए अगर पूरा कर सके तो निश्चित तौर पर मॉडर्न होम्योपैथी का यह जो चमत्कार है, इस तरीके की जो पैंडेमिक जिसमें पूरी दुनिया आज के डेट में इससे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं विकल्प ले रही है, इस तरीके की जो पैंडेमिक वाली जो स्थिति जिसमें दुनिया की लगभग सभी देश के सिस्टम, सभी देशों के जो अपने अपने ट्रीटमेंट कंसेप्ट इसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा यह पूरा प्रयास है कि अगर हम इसको कंपाइल्ड रूप से भी अगर मॉडर्न होम्योपैथी को अगर किसी भी ट्रीटमेंट के साथ जोड़ सके तो निश्चित तौर पर उन सभी पेशेंट्स का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ऊपर से भी कंट्रोल होगा, अंदर से भी मेंटेन होगा और उसका फायदा उनको उस ट्रीटमेंट में भी मिलेगा जो ऑलरेडी वो किसी ना किसी तरीके से पहले से ले रहे थे और उसके कारण भी जब उनके रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, और उसी बात के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के साथ जब वो ट्रीटमेंट मॉडर्न होम्योपैथी के साथ जब एड हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्स साबित भी हो सकता है और पेशेंट के रिस्पॉन्स में दिखता भी है। दोस्तों जिस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी लंग डिसऑर्डर के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो पा रहा है, इससे हमें जो 3000 पेशेंट का डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है और काफी सारे लंग इन्फेक्शन वाले पेशेंट, चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट है, सीओपीडी के पेशेंट है, आईएलडी के पेशेंट है, या इस तरीके से काफी क्रोनिक बीमारियां जो रिकरेंट निमोनाइटिस, निमोनिया के शिकार होने वाले पेशेंट, इवन प्लीरल इफ्यूजन के पेशेंट, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट्री भी सबमिट की थी मिसेस फेमिदा भी की, जिसमें उन्हें काफी प्लीरल इफ्यूजन के कारण पिछले 10 वर्षों की जो तकलीफ थी उसको हमने केवल 3 से 10 दिन के ट्रीटमेंट से 90% रिकवर कर लिया और केवल 3 महीने के ट्रीटमेंट से आज भी वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पा रही है और दुनिया के सामने साबित भी हो पा रही है। इस बात से, चूंकि जिस तरीके से डॉक्टर सतीश बिचोलिया साहब ने एक मैसेज दिया कि मॉडर्न होम्योपैथी से लंग इन्फेक्शन के लिए अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उपचार के रूप में भी लिया जा सकता है और प्राइमरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में आप इसे किसी भी स्थिति में उपयोग में ले आपके लिए मददगार भी साबित हो सकता है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर इस तरीके से आपको किसी पेशेंट के बारे में ऐसा लगता है कि इस समय जो पैंडेमिक जो भयावह स्थिति जो चल रही है जिसके कारण किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में लंग इन्फेक्शन के कारण किसी भी प्रकार से वेंटिलेटर में जाने की मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है या उनकी रिकवरी अगर नहीं हो पा रही है तो इस ट्रीटमेंट को उसी ट्रीटमेंट के साथ हॉस्पिटल का जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उसके साथ एड ऑन कर दिया जाए और इससे एक फायदा ये होगा कि जो काम वो ऊपर से कर रहे हैं हम लोग मॉडर्न होम्योपैथी से अंदर से उनकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाने में करेंगे और निश्चित तौर पर इसका फायदा उनके लंग इन्फेक्शन को दूर करने में भी मिलेगा, उनकी ग्रास्पिंग की जो स्थिति आ रही है उससे हम उन्हें बचा पाएंगे और उनकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाकर किसी न किसी पेशेंट की जान बचाने में मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा भी दे पाएंगे और साथ में भी किसी न किसी की जान बचाकर दुनिया के सामने उसे खड़ा भी कर पाएंगे। तो मैं काफी विनम्र के साथ अपने सभी डॉक्टर्स के लिए एक मैसेज देना चाह रहा हूं, हॉस्पिटल के मेरे सभी सीनियर कंसल्टेंट के लिए भी एक मैसेज देना हूं, अगर आपको लगता है कि किसी भी स्थिति में अगर किसी पेशेंट की स्थिति बहुत ही पुअर कंडीशन में, पुअर प्रोग्नोसिस में अगर जा रही है किसी भी प्रकार के लंग इन्फेक्शन के कारण, तो आप अगर चाहें तो मॉडर्न होम्योपैथी का विकल्प अपनी दवाइयों के साथ जरूर इस्तेमाल करें। हो सकता है कि हमारा यह संयुक्त प्रयास किसी न किसी पेशेंट की जान जरूर बचाएगा और इसे दुनिया के सामने साबित भी होगा। दोस्तों जिस तरीके से लंग इन्फेक्शन के लिए या अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी बहुत ही कारिक रूप से काम करती है, तो इस समय का जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है उसमें हमने करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मॉडर्न होम्योपैथी का एक इम्यूनिटी बूस्टर प्रदान किया। इसका केवल एक डोज लेने से हमें जो डेटा अभी तक प्राप्त हो रहा है या जिसके बारे में हमें जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन जो मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत ही रैंडम पॉपुलेशन 1.5 लाख लोगों का काफी बड़ा डेटा होता है, इससे हमें विश्वास भी बैठता है और हमारा यह प्रयास साबित भी होता है कि उनमें से सभी लगभग काफी सुरक्षित अवस्था में आज भी अपना स्वस्थ जीवन गुजार पा रहे हैं और इस तरीके की पेंडेमिक या किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का सामना अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर, अपना इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ाकर मॉडर्न होम्योपैथी से साबित भी हो रहे हैं और उसका फायदा भी ले रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज है कि जिस तरीके से एक छोटा सा इम्यूनिटी बूस्टर केवल एक डोज से अगर आप इतनी अच्छी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, तो कि अगर हम इस पूरे ट्रीटमेंट किट को अगर किसी
लंग डिसऑर्डर या किसी कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए यूज करें, तो इस तरीके की पेंडेमिक स्थिति में भी अगर किसी पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल हो तो हम उसे मदद कर पाएंगे और किसी ना किसी का अच्छा करके दुनिया के सामने उसे खड़ा भी कर पाएंगे। और अंत में मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट्स ने 3000 लोगों का जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी यूट्यूब में, सोशल मीडिया के चैनल पे, हमारे वेबसाइट्स पर जो मौजूद है, उसके आधार पर ये बात सिद्ध होती है कि किसी भी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में 300 प्रकार की बीमारियों के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। आप इसे प्राइमरी विकल्प के रूप में लीजिए या किसी भी बीमारी के अंतिम स्थिति में सेकेंडरी विकल्प के रूप में लीजिए, पर ये मेरा पूरा विश्वास है, पूरा प्रयास है कि इसका फायदा आपको उसी दिन से पूरा प्राप्त होगा। और जिस भी स्थिति में आप हमें वो केस देंगे, हम लोग उसके लिए काफी मेहनत करेंगे। अगर आपको लगता है कि मॉडर्न होम्योपैथी के जो 3000 पेशेंट साबित हुए हैं क्योर्ड कैटेगरी में, अगर उसके माध्यम से हम किसी एक पेशेंट की भी जान बचा सकें, तो इस वीडियो के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरीके की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको लगता है कि आप इंदौर में आकर हमसे मिलना चाहते हैं, तो इंदौर में आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू प्लासिया में स्थित है, यहां पर प्रत्यक्ष रूप से आकर आप अपने किसी भी प्रकार के क्रिटिकल बीमारियों के लिए हमसे परामर्श ले सकते हैं। और अगर किसी कारण से अगर आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर दीजिए। हम लोग आपके बताए हुए रिपोर्ट्स और डिटेल्स को वेरीफाई करके, आपसे बात करके, आपके लिए जो बनाई हुई किट है उसको कुरियर के माध्यम से आपके गंतव्य स्थान तक भी भेज सकेंगे। और घर बैठे भी इस तरीके की 300 प्रकार की जो भी दुर्गम बीमारियां, जो भी लाइलाज बीमारियां, जो भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां, जिसके माध्यम से आप मॉडर्न होम्योपैथी से उम्मीद रखते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इन सभी बीमारियों से निजात दिला सकें और दुनिया के सामने फिर से असंभव से संभव की ओर लाकर, जिस तरीके से 3000 से ज्यादा पेशेंट ऑलरेडी साबित हो चुके हैं, उस कैटेगरी में शामिल भी कर सकेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर सतीश बिचौलिया साहब ने खुद डॉक्टर होकर भी मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लिया और ILD जैसे लाइलाज बीमारी पर विजय प्राप्त करके आज अपने डॉक्यूमेंट्री में सबमिट किया और मुझे आशीर्वचन भी दिए, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपके किसी भी क्रिटिकल केस के लिए मैं पूरी मेहनत कर सकूं और आपके सपनों को साकार करने में, आपका आशीर्वाद पाने में, मॉडर्न होम्योपैथी का जो रिसर्च हमने जो किया है उसका फायदा देकर दुनिया के सामने हम आपको खड़ा भी कर सकें और इसके चमत्कार से दुनिया के सामने आपको साबित भी कर सकें। अगर आपको लगता है कि किसी भी चेहरे पर मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से अगर मुस्कान लाई जा सके, तो हमारा इस प्रयास में आपको एक हाथ आगे बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी गंभीर स्थिति से सामना करने के लिए इस मजबूत मॉडर्न होम्योपैथी का जो विचार हमने जो क्रांतिकारी रूप से साबित किया है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराइए। खुद भी स्वस्थ रहिए, मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लीजिए और दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करके उन्हें प्रेरणा दीजिए। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, दूसरों को मुस्कुराने में मॉडर्न होम्योपैथी का भी उपयोग लेकर उन्हें एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर, थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां न केवल ILD बल्कि किसी भी तरह की गंभीर व सामान्य बीमारी पर तुरंत अपना असर दिखाती है और उस बीमारी को जड़ से खत्म करती है। तो दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर सतीश बिचौलिया जी की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से ILD पर जीत की एक सक्सेस स्टोरी। इसी तरह आप भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में अपना विश्वास दिखाएं और किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए इसे प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं। और अगर आप मानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचाई जा सकती है या मदद की जा सकती है, तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।